दोस्तों नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, 7:15 हो रहा है, तो आप सभी लोग को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और फ्रेंड हम उठ करके सारा काम कर चुके हैं, बस यहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बना रहे थे और अब जा रहे हैं चावल लाल बनाने के लिए। तो आप लोग ऐसे ही मेरा गला फंस गया है, आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोग को फिर बाद में मिलती हूँ आप लोग से, ठीक। फाइनली फ्रेंड मेरा खाना पीना हो चुका है, मतलब बन चुका है, खा ही नहीं हूँ अभी। और मेरे पीछे दादाजी बैठे हुए धूप सेक रहे हैं और मैं भी धूप सेकने के लिए आई हूँ इधर खेतों की तरफ। सोची थोड़ा घुमा दूँ और वीडियो भी बना दूँ, है ना बेटू? मेरी बेटी को बाल देख रहे कितना बड़ा हो गया। क्या हुआ? एक बार हाई बोल दो इसमें, इधर इधर हाई। कैसे है? अब लोग को एक चीज दिखाती हूँ, ऐसे बने रहिए, बोलो बने रहिए, बोलो बोलो पापा पापा। पता है फ्रेंड ये क्या कहती है? पापा आई, मतलब आइए, ऐसे कहती है। बेटी बेटी हमेशा ऐसे ही बोलती रहती है, पापा आई आई करेगी। और फ्रेंड देखिए हमारे पीछे सरसों का फूल कितना अच्छा खिल गया है, कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं सोचती हूँ कि इसमें वीडियो बनाऊँ, है ना, लेकिन धूप की वजह से वीडियो ढंग की बन नहीं पाती। और ठंडा में भी अच्छा लोकेशन, मतलब लोकेशन तो बहुत अच्छा है, वो कैमरे से ही अच्छे से बनेगा वीडियो, ये फ़ोन का कैमरा से नहीं बन पाता है। और फ्रेंड इधर खेतों की तरफ आई हूँ, मेरा घर उधर है उधर। ये देखिए अपनी नानी को देख करके वहाँ जा रही है, नानी नानी को देख करके चल दी, अपना रास्ता पकड़ ली। ए लड़की कहाँ जा रही है? हाय ओ लड़की, ये मटक मटक के चलती है, देख रहे हैं? ओ पगली कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही? तो फ्रेंड क्या ही बताऊँ, कितनी बार भी आप लोग को बोल दूँ लेकिन आप लोग को समझ में आता नहीं है, तो फाइनली बोलना ही पड़ा। तो लगता है कि आज भी टॉपिक चलेगा वही बेटर वाला, जो कि मैं बार बार वीडियो में बोलती हूँ, बार बार मना करती हूँ। देखिए थंबनेल देख करके लगा होगा कि ऐसा ही कुछ बात है, लेकिन फ्रेंड ऐसा कुछ बात नहीं। मैं इसलिए लगाई हूँ ताकि आप लोग देखें और देखिए और एक बार भी समझ जाए, बार बार मुझे बोलना ना पड़े, क्योंकि इस टॉपिक में ना मैं 10 वीडियो बना रखी होंगी, ठीक है। और हमेशा अपना स्टोरी में ना पोस्ट करती रहती हूँ जब मतलब ऐसा कमेंट देखती हूँ, तो आज मैं सोची फिर से बना लूँ, ठीक है। नया वीडियो पड़ेगा तो आप लोग को देखने को मिलेगा ही। तो कुछ लोग का कमेंट, गलत कमेंट नहीं किए, कुछ लोग का कमेंट आया है कि आपका तलाक हो चुका है क्या? अच्छा तलाक होता तो मैं इस टाइप रहती, बताइए कि लड़की टाइप में ज़िंदगी जीती है, बताइए। ऐसा कुछ भी बात नहीं है, मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और मेरे हस्बैंड भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं, हम भी प्यार करते हैं, बस वो वीडियो में नहीं आते हैं। अब वीडियो में नहीं आते इसका मतलब आप लोग कुछ भी गलत मत निकालिए। कोई कहते हैं कि खुद भाग आई है वहाँ से, कोई कहते हैं कि उसका पति छोड़ दिया है, कोई कहता है कि मतलब तलाक हो चुका है, ये वो डिस डैड पता नहीं क्या क्या कमेंट करते हैं। तो उसी टॉपिक पे मैं बोल रही हूँ, देखिए कुछ भी नहीं हो रखा है मेरे उनके बीच में। जैसे कि आप लोग को पता ही है ना, मैं लव मैरिज शादी करी हूँ, तो लव मैरिज करी हूँ, तो अब वो मेरे हस्बैंड मेरे वीडियो में नहीं आते तो इसमें मेरी क्या गलती? क्योंकि उनका भी कुछ ड्रीम है जो पूरा हो जाएगा ना, मैं भी कुछ मन्नत मांगी हूँ, अगर वो मेरा पूरा हो जाएगा तो बहुत ही जल्द आप लोग को मेरे पति जी का दर्शन करने को मिल जाएगा, है ना। और वो बहुत ही अच्छे हैं, मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। सच कहूँ तो मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ, बाकी हर चीज़ सब कुछ वही हैंडल करते हैं। जो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है, हर एक चीज़ जो हुआ है सब कुछ वही किए, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरे अपने भी देखते होंगे तो क्या कहते होंगे, बट मुझे ना अजीब लगता है सही में ये सब बात बोलने के लिए, कि मतलब कई से लोग हैं कमेंट कर देते हैं कि पति से तलाक हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ऐसा कुछ। ये लो बेटू, ये लो, बहुत परेशान कर रही है, वीडियो नहीं बनाने दे रही है, देखा ये लो ना, ये खेलो। तो सही सही बोल दी हूँ कि अब से मुझे इस टॉपिक पे नहीं बोलना है, ठीक है। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा कमेंट मत कीजिए। और मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, रत्ती सी भी लड़ाई झगड़ी नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, ठीक है। बहुत लोग के कपल्स में होता है झगड़ा लड़ाई, लेकिन हमारे उनके बीच कभी नहीं होता है,
मेरे मम्मी पापा हम लोग से कभी भी दुखी नहीं रहते, दुख बस उनको इस बात का, उनको तो कोई चीज़ का दुख नहीं रहता होगा, लेकिन दुख तो दूसरे लोग देते हैं ना बार बार पूछ करके, बेटी सास ससुराल गई कि नहीं, गई कि नहीं। मेरे मम्मी पापा को मेरे से कोई दुख नहीं है, दुख बस इस बात का लगता है कि कोई अगर पूछते, वैसे भी अब मम्मी से भी अब कोई पूछता है ना तो देखती हूँ मम्मी को भी कोई उतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो कोई पूछे चाहे कुछ भी करे, अब जो पूछते वो तो हमारा घर चला नहीं रहे तो पूछ करके भी क्या करेंगे, ठीक है, या हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व तो नहीं कर देंगे हमारे घर की। तो ये वीडियो बस इतनी ही, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग से हाथ कैसे जोड़ू, नहीं जोड़ पाऊँगी, हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगली बार से ऐसा कमेंट मत कीजिएगा कि तलाक हो गया, ये हो गया, वो हो गया है। मेरे फेस पे हंसी आ रही है लेकिन अंदर से मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि मेरे बारे में इतना गलत लोग सोच रहे हैं कि मेरा भी तलाक हो सकता है, ज़िंदगी में मैं मर जाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। जो वो वीडियो में आएंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, किसी और से लड़ाई झगड़ा हो सकता है लेकिन मेरे हस्बैंड से कभी नहीं, ठीक है। टूटना रहता ना तो पहले टूट गया होता, अभी हमारी एक बेटी भी है, कैसे ऐसा कुछ हो सकता है आप लोग बताइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। टाटा बाय बाय, अगली बार से ऐसा कमेंट मत कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा आ गई है, तो हम तो रख ही रहे हैं बस, मौसम का तो कोई ठीक नहीं, कभी भी चेंज होता है और सर्दी लग जाती है, तो आप लोग बस अपना ख्याल रखिए, ठीक है।